व्यापारी की हत्या का मामला है मथुरा पुलिस के मुंह पर, कोर्ट का तमाचा, पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। सीजेएम कोर्ट में मथुरा पुलिस हुई एक्सपोज, अशोक अग्रवाल की हत्या को आत्महत्या बता रही थी। पुलिस आरोपी को बचाने का कर रही थी प्रयास। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को चेताया, आत्महत्या में दर्ज केस को हत्या में किया गया तब्दील। सीजेएम कोर्ट ने हत्या का केस दर्ज कराया, आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर की जा रही। आत्महत्या में दर्ज केस को हत्या में तब्दील किया, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीजेएम कोर्ट ने हत्या का केस दर्ज कराया, आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हमारे ब्यूरो चीफ नीरज पांडे इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, ये बड़ा मामला देखने को मिला है मथुरा में व्यापारी की हत्या का मामला, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखा जाए कि मथुरा में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, लेकिन मथुरा पुलिस का कमाल देखिए कि हत्या के मामले को आत्महत्या में दर्ज किया और उसको साबित करने में जुटी हुई थी। जब कोर्ट में सीजीएम की लताड़ पड़ी और सीजीएम ने साक्ष्यों के आधार पर उसको हत्या में कन्वर्ट किया, तो पुलिस को कहा जा सकता, पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। खुद कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि जब इतने सारे साक्ष्य हैं तो आप कैसे किसी हत्या जैसे मामले को आप आत्महत्या में तब्दील कर सकते हैं, और जबकि पहले से ही ये पता था कि ये घटना इस तरह की है। तो देखा जाए तो मथुरा पुलिस को तमाचा लगा, और ये पहले दिन से व्यापारी का जो परिवार है वो पहले दिन से इस बात के आरोप लगा रहा है कि पुलिस लगातार उनके खिलाफ काम कर रही है और आरोपियों के साथ मिलकर एक पार्टी की तरह काम कर रही है। और वो आज साबित हुआ है कि किस तरह से वहां शहर कोतवाल और एसएसपी बबलू कुमार ने पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की, लेकिन एक शुक्र है कोर्ट का, सीजीएम साहब का, अदालत का, कि उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए और मामले को हत्या में कन्वर्ट किया और 14 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपियों को भेजा। बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस पूरी बातचीत के लिए। मथुरा पुलिस के मुंह पर कोर्ट का एक करारा तमाचा पड़ा हुआ है। हत्या के मामले को पुलिस ने आत्महत्या में तब्दील किया था, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था। हालांकि कोर्ट ने, सीजीएम कोर्ट ने मथुरा पुलिस को एक्सपोज किया है, कोर्ट में एक्सपोज हुई है पुलिस, अशोक अग्रवाल की हत्या को आत्महत्या बता रही थी। पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही थी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को चेताया है, आत्महत्या में दर्ज केस को हत्या में किया गया है तब्दील। सीजीएम कोर्ट ने हत्या का केस दर्ज कराया। कानपुर से खबर आ रही है, सेंट्रल पार्क में आयोजित रामलीला मैदान शास्त्री नगर